आज मैं जाने वाला हूँ हजारों साल पहले एशियंट इजिप्ट में, वही पुरानी पिरामिड्स एंड उसका मिस्ट्री सॉल्व करने। मेरा सबसे बड़ा गोल होगा एशियंट फरा को डिफीट करना एंड यहाँ पर घूमने वाले गार्ड्स को भी डिफीट करना एंड उनसे बचना, अपना खुद का बहुत बड़ा एक बेस भी बिल्ड करना एंड ये जर्नी एडवेंचर के साथ बहुत ज्यादा डरावना भी होने वाला। सो आई अटेम्प्ट 100 डेज इन एशियन इजिप्ट। मैं स्पॉन होता हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ पर सिर्फ डेड जंगल है। मैं देखता हूँ सामने इजिप्ट के गार्ड्स मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो मैं भागते हुए वहां से निकल गया एंड मैं आगे आया, देखा यहाँ पर कितने बड़े बड़े पहाड़ एंड स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मैं ये सब पे यार ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं सोचता हूँ मुझे खाने की जुगाड़ करना है, तो मैं आगे आता हूँ। मैं देखता हूँ एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा ओपी लग रहा था। मैं इसके अंदर आया, मुझे यहाँ पर कुछ प्लम क्रेट मिला जिसके अंदर से मुझे थोड़ा तो सर्वाइव करने का सामान मिल गया एंड मुझे वहां से डेजर्ट एक्स मिला। उस एक्स से मैंने सोचा ये जो डेड वुड है इसको मैं काटता हूँ। मैं फिर यार उस वुड को काटने गया लेकिन मुझे पता नहीं था इस वुड के अंदर ऐसे टाइप के मकड़ी रहते हैं। भाई मैं डर गया था क्योंकि एंडर माइट जैसा होता है ना, वैसा टाइप का दिखता है। बट मैं इसको मार दिया था, बट मैं जितने भी लॉग काट रहा था एक एक करके बाहर आ रहा था। बट यार मुझे प्लैंक्स तो चाहिए ही था, तो मैंने प्लैंक्स जमा किया। वहां पर सामने आया, मैंने देखा यहाँ पर कैमल है, मैंने कैमल को मारा, मुझे कुछ फूड मिला, फिर से एक और स्ट्रक्चर मिला। बट इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे कुछ गार्ड्स की साउंड आ रहा था, तो मैंने देखा कुछ मुर्गी है जो कि मेरे से भाग रहा है। अब ये इतने ज्यादा फास्ट थे, मैं इनके पीछे करते करते जैसे तैसे करके एक को मार पाया एंड थोड़ा सा फूड खाया अपने पेट को भरने के लिए। फिर मैंने देखा वहां पर अंदर जो गार्ड्स थे वो सब लोग के बाहर आ गए थे। फिर मेरे पास यही एक मौका था उसके अंदर पूरा लूटपाट करने का। फिर मैं अंदर आया एंड मुझे कुछ गोल्ड मिला, रेडस्टोन मिला, आयरन मिला एंड फिर मैंने वहां से जितने भी सामान इंपॉर्टेंट लगा मैंने सब लेके वहां से निकल गया। अब धीरे धीरे शाम भी होने लग गया था। मैं सोच रहा था मेरा हार्ट भी नहीं है, मेरे पास खाना भी नहीं है, मैं कैसे पहले दिन सर्वाइव करूं। फिर यार मैं यहाँ पर सामने आता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर एपिक चीज मिलता है जो कि एक पानी का तालाब टाइप का दिख जाता है। ये देख के मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ डर्ट को कलेक्ट करता हूँ, मैं कुछ प्लैंक्स लेता हूँ यहाँ पर। अब मेरे को थोड़ा नहाने का मन हो रहा था, तो मैंने बिना सोचे एक डुबकी लगा दिया इस पानी में। बट रात हो गया था, मैंने सोचा अंडरग्राउंड में एक जगह बना के उसके अंदर आज रात में सर्वाइव कर लेता हूँ। तो मैंने मेरा कुछ टूल्स बना लिया एंड उस क्राफ्टिंग टेबल को ले लिया। मैं फिर थोड़ा बाहर आया कि थोड़ा सा लॉग वगैरह मैं कलेक्ट करूँ एंड थोड़ा सा आजू बाजू देखूँ कि क्या है नहीं है। मैं वहाँ से आगे आया, मुझे पहला यहाँ पर ममीज दिखा एंड वो ममीज रात में बाहर घूम रहे थे। कुछ आत्मा टाइप का है जो कि मेरे को आँखों से दिख तो नहीं रहा था, बट वो ऐसे आँख टाइप का कुछ फेंक रहा था मेरे ऊपर। तो मैं वहाँ से भागता हुआ आगे आया क्योंकि मेरे पास हार्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं वहाँ से आगे आया, देखा एक उड़ता हुआ ज़ॉम्बी मेरे, उसने मेरे को डैमेज दिया, 2 हार्ट का कर दिया। बट मैंने जैसे तैसे करके उस रात को मैंने अपने आप को बचा लिया। यहाँ पर मैंने सोचा जब तक सुबह नहीं होता मैं इसके अंदर ही रहूंगा। मैंने कुछ कोल जमा किया एंड फिर थोड़ा सा मुझे आयरन भी मिला पहली बार एंड फिर मैंने कोल एंड आयरन जितना भी वहां पर था सब उठाया। मैंने फिर यहाँ पर एक लाइमस्टोन का फर्नेस बना लिया एंड इसके अंदर आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। डे 2 हो गया था, बाहर मुझे सुबह का साउंड आ रहा था। मैंने थोड़ा सा और आयरन लिया, आयरन से मैंने थोड़ा सा टूल भी बना लिया एंड फिर मैं बाहर आके देखा सुबह हो चुका है, बहुत प्यारा नजारा है। फिर भी यार मैं कुछ गार्ड से यहाँ पर फाइट किया जो इजिप्ट के गार्ड से, आने के लिए यार कुछ कैमल को मारा क्योंकि ये देखो ये लामा का साउंड निकालता है बट ये कैमल है, तो इसको भी इनको भी मारा है। फिर यार ये देखो यार कितने ज्यादा इजिप्शियन गार्ड है, वो मेरे को यहाँ पर रहने के लिए नहीं दे रहे थे, भर के आ रहे थे। मैं इनसे जैसे तैसे करके फाइट कर रहा था, इनसे फाइट करते करते इन्होंने तो मेरा एक ही हार्ट छोड़ दिया था। फिर मैं वहां से भागते हुए आगे आया एंड यहाँ पर देखा शाम हो रहा था। आगे आते ही एक विलेज दिखा एंड ये विलेज देख के मैं सोचा मेरा तो काम हो गया क्योंकि ये विलेज मिला एंड आज रात मैं इस विलेज में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ फूड पकने के लिए छोड़ दिया था फर्नेस के अंदर। तो मैं देखा यहाँ पर एक घर है, उसके अंदर एक बेड है, तो मैं आज रात यहाँ पर ही रेस्ट कर लिया। डे 3 तो यार लिटरली मैंने पूरा दिन यहाँ पर ये जो विलेज था इसको पूरा एक्सप्लोर किया एंड फुल लूटा मैंने पूरा दिन। यहाँ पर मैंने देखा ये लोग खेती भी करते, तो मैं यहाँ से कुछ वीट वगैरह भी लिया एंड इसका सीड्स भी लिया। एक्चुअली वीट नहीं है, यहाँ पर ब्रेड बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है,
देखोगे धीरे धीरे। मैंने फिर यार एक वाटर बकेट बना के वाटर लिया, फिर मुझे उस विलेज में एक चेस्ट प्लेट मिला एंड वो मैंने पहन लिया, आयरन वाली चेस्ट प्लेट एंड एक हेलमेट भी मिला मुझे, वहां से ब्लास्ट फर्नेस भी मिला। एंड डे फोर में मैं यहाँ पर आया कुछ खाना कलेक्ट करने के लिए, तो मैं बहुत सारे लामा को मारा एंड वहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे वहां पर दिखता है एक पिरामिड। मैं तो थोड़ा डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था, बट मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर इतने डरावने मॉन्स्टर रहते। मैं यहाँ पर देखो ब्लॉक को तोड़ता हूँ लेकिन ये टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो मम्मीज है वो लोग पूरा माया करके रखे। थोड़ी देर बाद देखा ये गेट ऑटोमेटिकली खुल गया एंड यहाँ पर बहुत सारे मम्मीज मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। मैंने इनको मारा एंड इनका स्पॉनर हिम्मत करके अंधेरे में आके तोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर बाहर आ गया था क्योंकि ये लोग मेरे को बहुत ज़्यादा मार रहे थे। मैंने सोचा मैं बाद में जाऊँगा उसको एक्सप्लोर करने। फिर मैंने वुड वगैरह कलेक्ट किया क्योंकि अभी मुझे मेरा घर बिल्ड करना था। डे 5 स्टार्ट हो चुका था, अब मैंने मेरे घर के लिए स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे कुछ वुड की कमी पड़ी थी तो इसलिए यार मैं फिर से उस विलेज में आया, कुछ ट्री था उनको मैंने काट डाला एंड फिर से मैंने मेरा घर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मैं घर बिल्ड कर ही रहा था तभी रेगिस्तान में बहुत बड़ा एक तूफान आया जिससे मेरे आंखों में सिर्फ और सिर्फ रेत ही आ रहा था यार, मतलब कुछ मेरे को दिख नहीं रहा था। बट मैं फिर भी अपना घर को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो जो तूफान था वो बंद हो गया था। बहुत दिन मेहनत के बाद फाइनली डे 10 में आके मेरा घर कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने कुछ डोर बनाया एंड उस डोर को लगा दिया घर में। अब थोड़ा रूम टूर दे देते, यहाँ पर बाहर में मैंने बनाया एक बालकनी एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत प्यारा नजारा है। मैंने यहाँ पर दो दो सीट बनाया है ऐसे बैठने के लिए एंड यहाँ पर नीचे मैंने बनाया एक स्टोरेज रूम जहाँ पर मैं मेरा सारा चीज रखूंगा एंड एक और बैल्कनी बनाया मैंने, ये भी बढ़िया लग रहा था। तो मैंने कुछ प्लम क्रेट बना के उनको रख दिया, उसके अंदर मैं अपना सामान स्टोर कर सकता हूँ। फिर मैं कारपेट लेके मैं मेरे बेड के चारों तरफ थोड़ा सा डेकोरेशन किया। अब मैं जा रहा था उस पिरामिड के अंदर क्योंकि मेरे पास आयरन भी था, आर्मर भी था, अब मैं फुल रेडी भी था। तो मैं यहाँ पर आते ही यार एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया, मैंने उसको मारा एंड यहाँ पर जो बुझे हुए टॉर्च थे उन सबको जला दिया था। टॉर्च जला ही रहा था एंड फिर एक मेरे ऊपर ये वाले मॉन्स्टर ने अटैक किया जो ब्लेज की तरह दिखता था। फिर मैंने यहाँ पर जितने भी चेस्ट थे बाहर वो सब लूटा। फिर मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड में एक ट्रैप था, एक भुलभुलैया टाइप का, मैं उसके अंदर हिम्मत करके आया। लेकिन यहाँ पर मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसे ट्रैप है जिसके अंदर से आँख, जिसके अंदर से जहर ये सब निकलते थे। मैं यार बहुत ज़्यादा डर गया था, मैंने सोचा मैं मरना नहीं चाहता, तो यार मैंने सोचा मैं बाद में आऊँगा। तो वहाँ से जैसे तैसे करके मैं निकल आया। मैं सोचा मैं मेरे बेस में जाऊँ लेकिन मैं देखा बाहर रात हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इस जो गेट है इसको बंद करूं, बट मैं भूल गया था यहाँ पर अभी भी जिंदा है एशियन फड़ा। अब वो कौन है जो पिरामिड का मेन बॉस है, वो अपना माया कर रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग आया एंड मैं मेरे घर में वापस आ गया था, सो गया था। एंड सुबह उठ के मैं फिर यहाँ पर बाहर आया, देखा बहुत सारे इजिप्ट के गार्ड्स मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। मैंने उनको सबको यहाँ पर मारा, बट ये फाइट बहुत लंबा टाइम तक चला था क्योंकि ये लोग भी बहुत हार्ड थे और मैं भी था हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने भी यार इन सबको यहाँ पर मारा, मैं थक रहा था बट क्या ही करे, मारना तो पड़ेगा वरना कैसे सर्वाइव करूँ। उसके बाद मुझे फार्म बनाना था तो मैं इस विलेज में आके थोड़ा डर्ट को कलेक्ट किया और मैं ऐसे ही लगा दिया था सैंड के ऊपर। मैंने सोचा ये रहेगा बट नहीं, इसके आजू बाजू में अगर पानी नहीं डालोगे तो देखो ये कैसे गायब हो गया। वो ग्रास लगाने के बाद उसके आजू बाजू में पानी डालना पड़ता है एंड फिर यार ये लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैं परेशान हो गया था। यहाँ पर तो एक हिट से मेरे को नीचे धकेल दिया बट मैंने यहाँ पर एक अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया था। एंड फिर यहाँ पर रेगिस्तान में तूफान स्टार्ट हो गया था एंड यहाँ पर एक एसेसियन है वो मेरे ऊपर आ रहा था। एंड भाई साहब ये क्या, ये तो ब्लॉक को राइज कर पा रहा है एंड इसका एक डैमेज तुम सोच नहीं सकते, मैं मर सकता हूँ। इसका डैमेज इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं है। अब वो देखो वो मेरे बालकनी के ऊपर आ गया था तो मैं इसको जैसे तैसे करके मार दिया। उसके बाद मैं इस तूफान में भी डर्ट को कलेक्ट करने की हिम्मत किया एंड गया एंड डर्ट को बहुत सारा कलेक्ट किया एंड फिर मैं यहाँ पर पानी डाला एंड यहाँ पर मैंने फिर वो सब डर्ट लगाया एंड मेरे को शांति हुआ क्योंकि अब मैं खेती कर सकता हूँ, अपना खाना भी बना सकता हूँ। बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक ब्रेड बनाने के लिए इतनी मेहनत करने पड़ती है। तो डे 21 स्टार्ट हो चुका था एंड मुझे अभी बनाना था माइन।
तो मैं लग गया था माइन बनाने के लिए। माइन बनाते बनाते मुझे कुछ ये ब्लैक कलर का ब्लॉक दिखता है, मैंने सोचा ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन में काम आएगा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा ही ओपी वाला बेस बनाऊंगा। एंड फाइनली जाके मेरा माइन रेडी हो गया था। एंड मैं फिर आगे आया, यहाँ पर कुछ कोल मिला, मैंने कोल उठाया एंड मुझे यहाँ पर एक मॉन्स्टर मिला जो कि है स्टोन गार्ड केव के अंदर। वो केव का रखवाला है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं है, वो मरता भी जल्दी नहीं है। मैंने उसको जैसे तैसे करके मारा, बहुत ज्यादा ही मेहनत से मैंने उसको मारा, एक को मारने में इतना ज्यादा। के बाद मुझे कुछ न्यू और मिला, मैंने वो सब लिया, फिर से एक स्टोन गार्ड आया, उसको भी मारा, फाइनली मुझे डायमंड मिल गया एंड मैंने वो डायमंड ले लिया, बहुत सारा डायमंड मिला। लिटरली 2 दिन तक माइन किया, एक भी डायमंड नहीं दिखा था। उसके बाद जो डायमंड मिलना स्टार्ट हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी, मेरा को 40 डायमंड मिला एंड मैं मेरे घर में वापिस आ गया था। बाहर तो यार तूफान चल रहा था, मैंने मेरे आर्मर एंड टूल्स बनाया एंड अपने आप को डायमंड से कवर कर लिया। डे 31 में मैंने मेरे बेस के लिए एक बहुत बड़ा वॉल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। मैं थक गया, लिटरली 12 दिन लग गया था मेरे को ये पूरा वॉल कंप्लीट करने में, क्योंकि ये जो ब्रिक्स टाइप का है लाइमस्टोन को फंडेंस में डालो एंड ऑल भाई। एंड मैंने फिर फाइनली यहाँ पर जो ग्रास की ब्लॉक है वो प्लेस किया एंड यहाँ पर एक सैपलिंग था, मैंने सोचा एक सैपलिंग लगा देते। तो यहाँ पर अभी देखो ये जो ग्रास है ये धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था, यहाँ पर पूरी अभी हरियाली होने वाला है। तो मैंने मेरे माइन को एक अलग सा लुक दिया कि ये यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर माइन है। तो यहाँ पर मैंने लाइमस्टोन की डोर बनाई एंड यहाँ पर देखा फिर से गार्ड्स आ रहे थे इसके अंदर, तो मैंने यार इन सभी गार्ड्स को मार दिया। अब मेरे को कैमल को टेम करना था, तो मैंने देखा एक विलेज में एक कैमल ऑलरेडी टेम्ड था, तो उसके ऊपर अंदर सिर्फ सैडल लगाना था एंड मैं उसको राइड कर सकता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर सैडल लगा के मैंने उसके ऊपर राइड किया एंड उसको मैं अपने बेस के अंदर लेके आया। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ के मैं बाहर आता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पर मौसम भी थोड़ा खराब हो गया रखा है, बट मैंने देखा यहाँ पर तो पूरी हरियाली हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब मेरे को स्टोन गार्ड की आर्मी बनानी थी मेरे बेस के अंदर, क्योंकि मैं मेरे बेस को अकेले छोड़ के जाता हूँ तो वो जो इजिप्ट गार्ड है वो आके मेरे बेस को तोड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने स्टोन गार्ड की आर्मी बनाने का सोचा। तो यहाँ पर जो स्टोन गार्ड बनाने के लिए मटेरियल चाहिए वो मैंने सब बनाया एंड ये देखो अपना स्टोन गार्ड क्यूट सा बन गया। इसको मैंने मेरा आयरन का तलवार दे दिया, वो अपने हाथ में लेके योद्धा का प्रमाण दे दिया एंड फिर मैंने शील्ड भी दिया, वो भी ले लिया। तो ऐसे मैंने दो बनाया एंड फिर यहाँ पर मैंने फार्मिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर मैंने यहाँ पर वॉल से पूरा मेरे फार्म को ढक दिया ताकि यहाँ पर कोई भी मॉप या कोई भी अंदर नहीं आ सके। मैंने सीड्स को प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। डे 51 में मैंने क्वारेन बनाया। क्वारेन क्या है, क्वारेन के अंदर मैं वीट डाल सकता हूँ, उसको मुझे पीसना पड़ता है बहुत ज्यादा, लिटरली तो मैं 2 दिन तक इसको पीस रहा था, बस वो सब पीस के मुझे कुछ फ्लावर टाइप का मिल रहा था जो मेरे हाथ में देख रहे हो एंड इनको मैं पानी में डालता हूँ तो ये अलग कुछ चीज बन जाता है एंड इनको फिर मैं फर्नेस में डालता हूं तब जाके एक ब्रेड बनता है, इतनी लंबी प्रोसेस। फाइनली मेरे को एमरर ब्रेड मिल गया था, मैं बहुत खुश था एंड मैं फिर से आके यहां पर ब्रेड के लिए पीसना स्टार्ट कर दिया था एंड फिर मैं केव में आता हूँ। मुझे स्टोन गार्ड की और भी आर्मी बड़ी करनी थी तो मैं यहाँ पर आके उनकी जो मटेरियल था वो कलेक्ट करने लगता हूँ एंड मैं यहाँ पर जितने भी स्टोन गार्ड में बना सकता हूँ उतने सबको मैं बना दिया था ताकि ये लोग पेट्रोलिंग करे और कोई भी अंदर आए उनको मार। मैं एक विलेजर से मिलने गया, उसने बोला यहाँ पर अंडरग्राउंड में एक ऐसा बेस है जहाँ पर बहुत ओपी एक पावर मिलता है। तो मैं डे 61 में वो बेस ढूंढने निकल गया था। मैंने मेरे बेस को स्टोन गार्ड की आर्मी के ऊपर छोड़ के मैं माइन पे निकल गया था वो अंडरग्राउंड में वो सीक्रेट बेस ढूंढने के लिए। वो स्ट्रक्चर एक्चुअली मुझे मिल गया था एंड वहां पर मेरे को ये देखो ये जो नेकलेस मिला यही है वो पावर। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ये एपिक है, मैं ये नेकलेस को पहना एंड देखो मेरे साथ क्या होता है। ये देखो मैं ये पहन लिया
एंड मैं वैनिश हो गया। जब मैं चलूंगा तब मैं दिखूंगा, लेकिन ऐसे मैं चुपचाप कहीं खड़ा हो गया। तो मुझे एक और ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, वहां पर आके जितने भी मैग्मा ब्लॉक्स थे वो लिया। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि मैं इजिप्ट के गॉड से बात कर सकूं एंड पावर ले सकूं। एंड मैं यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ, मैं गॉड को बुला नहीं पाया। मैंने सोचा मैं फरा को अकेले हरा दूंगा, तो मैं जाता हूँ डे 71 में एशियन फरा को हराने के लिए। अब देखते जाओ ये फाइट कितना ज्यादा एपिक होता है। मैं वो ट्रैप के अंदर आ गया था, मैंने खाना खाया एंड यहाँ पर मेरे को उस ट्रैप से थोड़ा आग लगा, बट मैं डरा नहीं क्योंकि अभी मेरा आर्मर डायमंड का था। फाइनली यहाँ पर मुझे मिल जाता है उसका अंडरग्राउंड पूरा जो बड़ा बेस है। एंड देखो यहाँ पर कहीं भी लाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लाइट लगाता हूँ एंड यहाँ पर कितने सारे ट्रैप है वो सबको मैं बंद करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो चारों तरफ ही ट्रैप एंड ट्रैप है, तो मैं इन सबको बंद करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे फाइनली मिल जाता है फाड़ा का रूम। एंड ये देखो मैं कितना डर डर के घुस रहा था एंड फाइनली मुझे दिख तो गया था, बट मैं देख रहा था मेरे आजू बाजू कहीं जॉम्बी तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया, सारे जो ट्रैप थे उनको डिसेबल किया एंड यहाँ पर जो टॉर्चेस थे उन सबको लाइट अप किया एंड यहाँ पर कुछ लाइम टॉर्च भी था मेरे पास, तो उस लाइम टॉर्च को लेके मैंने फाड़ा का जो चेस्ट है, उस चेस्ट के अंदर बहुत ओपी लूट है बट मैं उसको नहीं खोल सकता जब तक मैं फाड़ा को डिफीट ना कर दूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने राइट क्लिक किया, नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पर खाना खाया, अपने हेल्थ को सही किया, लाइम का टॉर्च लगाया एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करते ही अपना फाड़ा स्पॉन हो गया। अभी ये इतना ज़्यादा फास्ट था, इसकी पावर इतनी अलग थी जिसकी कोई हद नहीं है। इसको मारने में तो मेरा हालत ख़राब हो गया था एंड ये देखो इससे मैं फाइट करते करते मैं मरते मरते बचा, उसको भी मारा मैंने। यहाँ पर उसकी हेल्थ देखो कितनी ज़्यादा और मेरी हेल्थ तो बस उसके सामने बच्चा है लिटरली। तो यार उसको मैं मारा, बहुत टाइम तक उसके साथ मेरा फाइट चला। एंड फाइनली उसका हेल्थ मैंने एंड तक ला दिया है, लेकिन यार वो मेरा शील्ड तोड़ देता है ऐसे टाइम पे जब मैं मरने वाला हूं। तो जैसे तैसे करके यार मैंने उसको मार दिया एंड फाइनली अपने फाड़ा को डिफीट कर दिया इजिप्ट गॉड के अलावा। अब देखो यहाँ पर ऐसे रैंडमली ब्लॉक पे प्लेस हो गया क्योंकि अभी फाड़ा का जो उसका जो माया टाइप का है ना वो अभी यहाँ से चला गया। अब मैं जो पिरामिड है इसको तोड़ सकता हूँ, यहाँ से कुछ ब्लॉक्स ले भी सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े वगैरह ब्लॉक्स लिए एंड यहाँ पर जो चेस्ट था उसके अंदर मेरे को ओपी वाली एक एन्चेंटेड बुक्स मिली जिसके अंदर तुमने देखा है ये जो चेस्ट है मैंने वो ले लिया एंड वहां से मैं बाहर आके डे 81 में मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया वो जो चेस था वहां पर लगाने के लिए। एंड फिर यहाँ पर इतनी तेज तूफान आया कि लिटरली मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी तेज तूफान चल रही थी। तो मैंने यहाँ पर वो चेस्ट को प्लेस कर दिया यहाँ पर मेरा सबसे कीमती सामान रखने के लिए। उसके बाद मुझे कुछ कॉइन मिला था जिस जो डस्टी कॉइन था, तो उनको मैंने पानी पे डाल के सब धो डाला। अब मेरा सबसे एक और चैलेंज है जो कि मेरे को डेजर्ट वुल्फ को ढूंढना। मुझे लग रहा है इजी है, तो मैं मेरे कैमल को लेके डेजर्ट में निकल पड़ता हूँ डेजर्ट वुल्फ को ढूंढने के लिए। वो बहुत बड़ा एक वुल्फ है, अगर मैंने उसको टेम कर लिया तो वो मेरा पालतू वुल्फ बन जाएगा जिससे मैं उसको लेके कहीं भी जा सकता हूँ और उसका पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं निकल पड़ता हूँ, रास्ते में मुझे बहुत सारे विलेज मिलता है, मुझे एक लाइब्रेरियन का रूम मिलता है, तो मैं उसे कुछ बुक्स लेता हूँ एंड मुझे सामने यहाँ पर फिर से एक तालाब दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ओपी था। मैं सोचता हूँ यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं मन उस साइड पर इतना क्यों जा रहा था, तो मैंने सोचा फिर से एक डुबकी लगा लेते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं यहाँ से अच्छे से नहा लिया, साबुन नहीं था बट ठीक है। फिर मुझे आगे आते हुए यहाँ पर एक डेड फॉरेस्ट दिखा, तो मैं इस डेड फॉरेस्ट को क्रॉस कर ही रहा था तभी मैं मेरे कैमल को लेके एक गड्ढे के अंदर गिर जाता हूँ बहुत ही बुरे तरीके से। बट कोई ना, मैं अपना दिमाग यूज करके वहां से निकल जाता हूँ। मैं बहुत आगे आ गया था एंड मेरे ऊपर वो उल्फ ने रात के टाइम पे अटैक किया। देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है, मैंने इसको डस्टी बोन से स्पैम किया इसके ऊपर एंड ये मेरा पालतू वुल्फ बन गया। डे 91 में मैंने उसको टेम कर लिया था एंड उसके ऊपर बैठ गया था। अब देखो ये कितना ज्यादा ही फास्ट चलता है एंड मैं मेरे बेस से लगभग 5000 ब्लॉक दूर आ चुका था। तो मैं मेरे उल्फ को लेके सीधा निकल पड़ता हूँ मैं मेरे बेस की तरफ एंड देखो यार ये कितना ज्यादा फास्ट है। हाँ, थक गया मैं लिटरली, बहुत ज्यादा ही प्यारी जर्नी थी ये। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक करना। और यहाँ पर अभी मेन बॉस वर्ल्ड जिंदा है, उसको अगर तुम डिफीट देखना चाहते हो, मतलब इसका नेक्स्ट 100 डेज,
तो जरूर कमेंट में बताना। इस वीडियो पर लाइक एम रखते 30 लाइक्स अगर तुमने कर दिया, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर डालूंगा। चलो मैं फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।